यंग और वेरी फ्रेश थॉट से बनाई गई फिल्म है। हमारे राइटर अगर शुरू करें राइटर से, तो राइटर भी हमारे दो विराल और अमात्य बहुत यंग बच्चे हैं दोनों। उन्होंने बहुत इनोवेटिव वेरी फ्रेश थॉट से पूरा फिल्म बनाई है और हम लोग बहुत एक्साइटेड सब ऑलमोस्ट लाइक ए फ्रेंड से उन लोगों ने फिल्म बनाई है और ये फिल्म अल्टीमेटली बहुत अच्छी तरह टर्न आउट होकर बाहर निकली है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड एंड न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू स्टोरी टेलिंग फॉर द गुजराती फिल्म। जी जी तो ये फिल्म जी मतलब ये फिल्म के अंदर भी जैसे भी गुजराती का जो अभी जो सुपरस्टार है मल्हार ठाकर, अपने फिल्म के अंदर भी वो मल्हार ठाकर एज ए लीड रोल एक्टिंग कर रहा है। उसके सिवा दिशा है, उसने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, तो हम इसके लिए भी बहुत ऐसा अच्छा प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म भी बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर होगी। कल भी प्रीमियर हुआ अहमदाबाद में, वहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छा सराहा है और ये फिल्म को आज भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ओपनिंग डे पे। ओके, और मल्हार सब आने वाले हैं यहाँ पर, सबको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करके? हाँ, एज आई मेंशन बिफोर के वो बहुत यंग ब्लड है, बहुत मस्ती तूफान करके फिल्म बनाई है। ये मिडनाइट विद मेनका एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर से नया हटके नाम बनाया है, अदरवाइज ये फिल्म बहुत सोशल फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है। और हार्दिक ने बहुत अच्छा रोल किया है, विनीता ने बहुत अच्छा रोल किया है, वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट है फिल्म के लिए। और हार्दिक और दिशा ने भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री किया है, ओवरऑल बहुत अच्छा कलर और फ्रेश फिल्म बनी है। बहुत फैंटास्टिक रिस्पॉन्स है, बहुत बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग है और मतलब गुजरात ने पूरी तरह से स्वीकार लिया है ये फिल्म को और हम आशा रखते हैं कि मुंबई में भी ऐसा रिस्पॉन्स आए और हम बहुत खुश हैं। वैसे इन टर्म्स ऑफ एंटायर कास्टिंग इज़ वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स गुजरात। आई होप मुंबई में भी इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। श्योर श्योर। फर्स्ट डे देखने जाए तो जैसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है उस हिसाब से हम और भी ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड हो गए कि अब वीकेंड का रिस्पॉन्स क्या आएगा एंड स्पेशली फ्रॉम मुंबई। गुजरात का तो पता चल ही गया है, सो वी जस्ट होप दैट ये वीकेंड जैसा फर्स्ट डे अभी रहा है और बस ऐसे ही वीकेंड और आगे कई वीकेंड्स ऐसे ही रहे। मुंबई में बहुत सारे फैंस हैं आपके, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए कि फेक बायो ऑफ रियल स्टार परफेक्ट बात है और मैं मल्हार ठाकर ही प्ले कर रहा हूँ। वैसे पूरी बात फेक है पर कैरेक्टर ओरिजिनल है, तो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, एंटरटेनिंग है। एक डे नाइट स्टार बन जाने के बाद क्या होता है उसके साथ, वही पूरी कहानी है और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इतने लाफ्टर्स, इतना नया ह्यूमर है फिल्म में और मेरा कैरेक्टर बहुत एंगेजिंग है, लोगों को बहुत मज़ा आता है देखने में स्क्रीन पे, तो पीपल विल बी हैप्पी फॉर श्योर। और गुजराती फिल्मों को जिस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे छेलो दिवस शूट है वो अभी रिसेंटली, तो क्या कहना चाहेंगे गुजराती मार्केट जो है लोगों को अपील कर रही है और कितने खुश है आप इस चीज़ को? जो गुजरात की जो गुजराती टिपिकल गुजराती फिल्म्स है वो तो अच्छी चल ही रही है, बट वन थिंग अबाउट मिडनाइट्स विद मेनका इज़ दैट ये गुजराती फिल्म होने के बावजूद नॉन गुजराती ऑडियंसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रही है। सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस कि मिडनाइट्स विद मेनका इंग्लिश टाइटल है, गुजराती कॉन्सेप्ट है, बट एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है क्योंकि हर कोई इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा, तो वो गुजराती इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। मल्हार की बायोपिक में मैं भी अपना खुद का ही किरदार प्ले कर रही हूँ। माई नेम इज़ ईशा एंड आई एम प्लेइंग ईशा कंसारा ओनली, सो बट उसमें बहुत कम सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि इसको फिक्शनलाइज किया गया है, तो ईशा इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट एंड ईशा इज़ अ बिट डम ऑल्सो, और वो मल्हार की सबसे बड़ी फ़ैन गर्ल है और किस तरह से मल्हार की लाइफ जर्नी में उसकी क्या खुद की एक छोटी सी जर्नी होती है उसके बारे में पूरा एक कैरेक्टर है। ओके मल्हार, इस फिल्म में तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन आपकी जर्नी कैसी रही है, अप्स एंड डाउन्स अगर थोड़ा कुछ शेयर करना चाहिए अपनी जर्नी के बारे में? नहीं, हर एक की लाइफ में होता है अप्स एंड डाउन्स, मेरी लाइफ में बहुत डाउन्स आए, अप्स बहुत लेट आए, पर मैं खुश हूँ अभी, बहुत वेरी हैप्पी क्योंकि
जितनी मेहनत जितनी स्ट्रगल जो भी है वो अभी बहुत वर्क कर रही है, तो मैं वही लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यार वैसे काम करते रहो और खुश रहो, आगे जाके उनका फल मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। नहीं भाई बस प्लीज़ देखने जाओ, बहुत मज़ा आएगा, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जितना मज़ा आपको हर एक फिल्म में आता है उससे थोड़ा ज़्यादा मज़ा इस फिल्म में आएगा फॉर श्योर, क्योंकि ये चारों कैरेक्टर बहुत लाइव कैरेक्टर हैं, बहुत फ़नी है और बहुत मज़ेदार है, तो हम चाहते हैं कि गुजराती फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर जाए। आई थिंक मिडनाइट विद मीन का एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट लेके आया है, क्योंकि आज तक एक हमेशा रियल सुपरस्टार पे रियल बायोपिक बनी बनाई जाती है, पर इस टाइम इसको फिक्शनलाइज करके थोड़ा एंटरटेनमेंट का मसाला डाल के इसको और एंटरटेनिंग बनाया गया है। सो आई थिंक ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, सो विच इज़ वाई मिडनाइट विद मीन का इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म फॉर मी। थैंक यू तो बहुत है, क्योंकि मैं और विनीता जोशी हम दोनों डेब्यू करने जा रहे हैं, इतने साल टेलीविजन में काम किया लेकिन हमारी पहली गुजराती फिल्म करने जा रहे हैं, तो नर्वस तो है, 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इतने सालों बाद इतनी बड़ी फिल्म करने जा रहा हूँ तो वो नर्वसनेस तो है, लेकिन आज पहला दिन है, पहले दिन पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हम लोगों को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के यार वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आप लोग भी ये फिल्म जब देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इट इज़ गोना बी अ ब्लॉकबस्टर। एक्साइटेड बहुत है, नर्वसनेस है, बट आई थिंक वो अच्छी होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस हमेशा आपको ग्राउंडेड रखती है, और नया कॉन्सेप्ट है, मल्हार ऑलरेडी स्टार है बट उस सुपरस्टार की एक काल्पनिक आत्मकथा बनाई गई है, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो एक्चुअली रियल नहीं है, ये सारे फेक है, और मल्हार ईशा और हार्दिक अपना ही किरदार निभा रहे हैं, बट ऑफकोर्स उनके किरदार को भी फिक्शनलाइज किया गया है, मेरा पूरा किरदार ही फिक्शनलाइज है, पर्सन ही फिक्शनलाइज है, और मैं रिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मल्हार की सिस्टर है, और एक नई बात यह है कि ये सबसे सीरियस कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, और बाकी उसके आसपास बहुत सारी कॉमेडी हो रही है, तो ये जो कॉमेडी और सीरियसनेस का एक मसाला बनेगा वो ढेर सारा एंटरटेनमेंट ड्रामा कॉमेडी और इमोशंस लेके आएगा, प्लीज़ देखिए और अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दीजिए, हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिकॉज हम चारों यंग कैरेक्टर हैं और इन चारों कैरेक्टर की जर्नी इमोशनल है, कॉमेडी है, बहुत सारा ड्रामा है जो हर एक की लाइफ में रियल भी होता है, सो इवन व्हेन वी आर प्लेइंग दोज कैरेक्टर्स वी फेल कि अरे दीज सिचुएशंस आर सो रिलेटेबल। एंड भले यंग है सारे के सारे एक्टर्स, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब लोग कनेक्ट करेंगे, सब लोगों को मजा आएगा, और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के कैमियोज हैं, नरेश कनोडिया को आप ट्रेलर में देख, गुजराती के सबसे बड़े सुपरस्टार महानायक है, बट और भी बहुत सारे जो आपको फिल्म में देखने मिलेंगे। अरे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम सब जो भी एक्टर्स हैं हम सब एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं पहले थिएटर करते थे, कोई कॉलेज में था, ये वो ऐसे सब रिलेशन थे, तो शूटिंग करते वक्त तो पूरा वो कह सकते हैं कि रीयूनियन का माहौल था, कि काम कम मस्ती ज़्यादा होती थी, एंड ये जो केमिस्ट्री है हम चारों की वो आपको पर्दे पर देखने को मिलेगी। शूटिंग नहीं लगा, हमने एक्चुअली बहुत सारी मस्ती की है, और वो जो सारी मस्ती हम कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई है पर्दे पे, आपको भी बहुत मजा आया, सब दोस्त है इसीलिए थोड़ा पैसे भी कम मिले दोस्ती के नाम पे, बट ऑडियंस वो पूरा कर देगी आई एम श्योर। थैंक यू गाइस। हम जा सकते हैं ऊपर। सो हमारा जो अहमदाबाद का प्रीमियर था कल रात को थर्सडे नाइट को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, इनफैक्ट पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, उनके जितने वेटरन्स थे, डायरेक्टर्स, राइटर्स, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, दे केम पर्सनली एंड कॉम्प्लीमेंटेड न्यू डायरेक्टर लाइक मी एंड माय को राइटर अमात्या, वी वर रियली रियली ओब्लाइज दैट एवरीबडी एक्चुअली अटेंडेड द प्रीमियर, और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि गुजराती इंडस्ट्री जो है वो पिछले 3-4 साल से इवॉल्व हो रही है, बहुत सारा नया नया कंटेंट निकल रहा है, तो इस पिक्चर की यही कोशिश थी कि कंटेंट को कुछ अलग तरीके से बताया जाए, जैसे कि आवर टैगलाइन विच सेज फेक बायोपिक ऑफ अ रियल स्टार, हमने बहुत सारी बायोपिक्स देखी है लाइफ में, तो कुछ अलग अगर करना था तो वी हैड टू टेक समथिंग विच वॉज ऑलरेडी वेरी एस्टैब्लिश एंड इम्पॉर्टेंट इन गुजराती सिनेमा, दैट इज़ मल्हार ठाकर, तो अब मल्हार ठाकर को लेकर क्या किया जाए, तो फिर एक आइडिया आया कि इसको लेकर, बिकॉज मल्हार मीन्स एंटरटेनमेंट इन गुजराती इंडस्ट्री, तो अगर एंटरटेनमेंट देना है तो चलो कहते हैं लोगों को कि मल्हार कैसे बना सडनली ओवरनाइट, तो इसलिए हमने फिर सोचा कि इसको एक फेक ट्विस्ट देते हैं, और बाकी 3 कैरेक्टर्स मल्हार के साथ जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट,
जो काफ़ी रिलेटेबल कैरेक्टर्स है उनको लेकर हमने एक पूरी कहानी एक मल्टी ट्रैकिंग फिल्म स्टोरी की तरह बनाई है. सो या इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और मैं ये क्लेम करना चाहूँगा कि मिडनाइट्स विद मेनका अ फेक बायोपिक ऑफ अ रियल स्टार ये इस जॉनर की पहली कहानी है. बिकॉज बी इट हॉलीवुड बॉलीवुड और एनी रीजनल सिनेमा ये जॉनर कभी भी किया नहीं गया है फेक बायोपिक ऑफ अ रियल पर्सन. सो या इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट एंड आई होप पीपल लाइक इट. आई होप द ऑडियंस जनता लाइक्स इट बिकॉज प्रीमियर में तो लोगों को बहुत मजा आया था एंड होप दैट यू ऑल लाइक इट. सो एज अ कैप्टन ऑफ द शिप सी वी नीड टू बी रियली कम्फर्टेबल. पहली फिल्म थी ऑफकोर्स नर्वसनेस थी बहुत नई कहानी कहने के लिए जा रहे थे तो जो लोग मेरे साथ जुड़ने वाले थे मैं चाहता था कि वो दोस्त हो या मुझे कुछ ना कहना पड़े. इनफैक्ट मैं चाहता था कि वो कुछ कहे और मैं कुछ सीखूँ और हम साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाएं. तो बी इट ऑल दी एक्टर्स सारे फ्रेंड्स हैं मल्हार ईशा हार्दिक और यस विनीता का कास्टिंग लास्ट में हुआ था तो शी वॉज अ फाइन एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर बट अदरवाइज मल्हार ईशा और हार्दिक ये पहले से ही दिमाग में फिट था. इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि इन तीनों को फ़ोन किया था और कहा था कि कहानी बना रहे हैं फेक बायोपिक वेर यू ऑल आर प्लेइंग योरसेल्फ तो आप लोग ऑन है. उन्होंने कहा था हाँ ऑन है. तब मैंने कहा था चलो ठीक है अब दो महीने बाद तुमको कहानी सुनाता हूँ. वेल फिल्म को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये गुजराती फिल्म की तरह इसे परसीव मत करना. इट्स अ ग्लोबल कॉन्टेंट. ये एक बहुत ही रिलेटेबल एंटरटेनिंग स्टोरी है एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो वॉच दिस मूवी इफ़ यू वॉन्ट टू हैव 2 hours ऑफ एंटरटेनमेंट. ये गुजराती थाली है जिसमें स्पाइस स्वीटनेस बिटरनेस सावरनेस नमकीनपना सब कुछ है. तो उसी तरह हमारी इस फिल्म मिडनाइट्स विद मेनका में सब कुछ है राइट फ्रॉम कॉमेडी टू अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी टू अ लॉट ऑफ फिक्शन टू अ लॉट ऑफ ड्रामा टू अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स सरप्राइज एलिमेंट्स. तो अगर आपको 2 hours का फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए तो प्लीज़ गो एंड वॉच मिडनाइट्स विद मेनका. हमने बड़ी मस्ती के साथ इसे बनाया है तो आपको देखने के लिए बड़ा आपको अगर देखना है और आपको थोड़ी मस्ती करनी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. या थैंक यू सो मच. या करे आजकल मरे और ये फिल्म का टाइटल सुनकर या तो देखकर या तो पढ़कर वैसे ही हंसी आ रही है तो मुझे लग रहा है कि अंदर भी कुछ काफ़ी कुछ होगा और मिडनाइट मेनका उर्वशी मतलब क्या क्या होगा मुझे पता नहीं लेकिन डेफिनेट एंजॉय करेंगे. ऊपर से वापस मल्हार एंड हार्दिक और हार्दिक जरा वैसे है माने मिडनाइट विद मेनका खड़ा हुआ है वेरी नाइस आर्टिस्ट सवाल ही नहीं है बहुत बढ़िया एक्टर है कमाल का है. मल्हार को तो आप जानते ही हो मल्हार को कहते ही बहुत बढ़िया है पिक्चर बहुत बढ़िया है और ये फिल्म देखने के बाद बाकी सब कुछ धन्यवाद. शुभकामना मैंने डेफिनेट विश फॉर द ओनली सक्सेस और ये मल्हार और हार्दिक की फिल्म है साथ में हमारा छोटा सांगो यानी कि लालू सांगो जिसने ये फिल्म लिखी है उसे भी विश करना चाहूँगा कि ये फिल्म उसकी सक्सेस जाए. हमारे को बहुत बहुत विश है बहुत ही अच्छा लिखता है आगे भी लिखता रहे और लिखता रहे. थैंक यू. हर बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए क्योंकि द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वीरल शाह इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ईशा कंसारा इज ऑल्सो अ वेरी क्लोज फ्रेंड सो आई विश देम ऑल द लक एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट.
happening and many more to come. Thank you so much. મલ્હાર મારો ખૂબ જ ગમતો કલાકાર છે, ખૂબ જ સારો મિત્ર પણ છે અને ખૂબ જ સારો કલાકાર છે. અમે એક નાટકમાં પણ સાથે કામ કરેલું છે અને આઈ એમ શ્યોર કે એ જે પણ કામ કરે છે બહુ જ સુંદર કરે છે, જબરદસ્ત એક્ટર છે, એનું ટાઈમિંગ પણ બહુ સરસ છે. વિશિંગ યુ અ ગ્રેટ લક. અને આ ફિલ્મના જેટલા પણ કલાકાર છે, હાર્દિક છે, એને એ પણ બહુ સારો કલાકાર છે, એણે ઓ માય ગોડમાં પણ કામ કરેલું મારી સાથે. અને આઈ એમ રિયલી હેપી કે આ બધા આવી સરસ ફિલ્મ બનાવીને કામ કરે છે. અમાત્ય ગોરડિયા જેણે આ ફિલ્મ લખી છે, એ જે પણ કામ કરે છે, એણે જેટલું પણ રંગભૂમિ ઉપર કામ કર્યું છે, મને ખૂબ જ ગમ્યું છે. અને એ ખૂબ જ ઇન્ટેલિજન્ટ છોકરો છે અને ખૂબ જ સારું લખે છે. એમ વિશિંગ એવરીબડી અ ગ્રેટ લક અને આ ફિલ્મ ખૂબ સુપર ડુપર હિટ છે. स्टार का सब मेरी बच्ची ही है और फिल्म सुपर हिट है, वो रिपोर्ट आ गया है अहमदाबाद से. सो दे विल रॉक, ऑल द बेस्ट. स्पेशल स्पेशल विशेस टू वीरल एंड ईशा, उनके साथ ऑफ कोर्स हार्दिक, सभी को वैसे तो, बट स्पेशल विशेस टू बोथ ऑफ देम क्योंकि उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ मैं. और जैसे उन्होंने कहा वो बच्चे हैं, वो लोग मुझे मामा करके ही बुलाते हैं. एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि उन लोग ने फिल्म बनाई है और ईशा ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर और डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द मूवी एंड एंजॉयिंग इट. ऑफ कोर्स यू, मैं भी बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ, मेरी भी ऑलरेडी 3 रिलीज पे हैं फिल्म और ये चौथी भी मेरी है फिल्म. तो गुजराती फिल्म, गुजराती रॉकिंग पीपल. मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ. मैंने जब इसका टीजर देखा था तो हाईलाइट वॉज मल्हार मेरा ही बेटा है क्योंकि उसका बाप मेरा दोस्त है. तो मल्हार को जो टीजर में मैंने भागते देखा, मैंने पाइट भी दिया है मैंने फेसबुक पे कि मैं ये देखने के लिए ज़रूर आऊँगा कि मल्हार क्यों भाग रहा है, कि ये फिल्म नहीं कर रही है. बाकी मल्हार और फिल्म ना बोले ये मैं मान ही नहीं सकता. टाइटल सजेस्ट करता है कि कुछ नया है, कुछ अलग है, तो वो एक झटका लगता है पहले कि क्या है मिडनाइट्स विद मेनका. बट दैट इज़ व्हाट द यंग जनरेशन इज ऑल अबाउट, कि वो लोग हमें कुछ नया देने वाले हैं और अच्छा देने वाले हैं. और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो फिल्में शुरू हुई है जिसे हम लोगों ने बना दिया है अर्बन फिल्में, जो अर्बन नहीं है, फिल्मी होती है. हाँ, सिर्फ इतना है कि गाँव से निकल के शहर में आई, शहर से निकल कर आउट ऑफ इंडिया गई. बट ये जो यंग जनरेशन है जो काम कर रहा है, माइंड ब्लोइंग. क्योंकि अब तक मैं 22 फिल्में कर चुका हूँ, ये नहीं, दे आर वेरी फोकस्ड. एंड द हाईलाइट इज कि ऑडियंस हमारी, गुजराती ऑडियंस ने आना शुरू किया है मल्टीप्लेक्स में. तो मतलब पहले तो हमने कदम लिया है, अभी तो बहुत आगे जाना है. थैंक यू. इंटरेस्टिंग टाइटल और ये टाइटल से ही ऐसा लग रहा है कि आज मैं खूब हंसूंगा और खूब एंजॉय करूंगा, आई एम श्योर. एंड द बेस्ट पार्ट, कोकोनट फिल्म्स इतने ही अच्छी अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं और आगे भी फिल्म्स कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म गुजरात के लिए. बहुत बड़ी बात है कि कोकोनट फिल्म इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं. सो मेरी बेस्ट विशेस है कोकोनट फिल्म एंड मिड नाइट मेनका के लिए. सारे एक्टर्स, मल्हार, हार्दिक, सबको मेरी बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. ये तो ये बताते क्या है, टाइटल तो बड़ा अच्छा है,
इंटरेस्टिंग है, कैचर है थोड़ा सा. बट व्हाट डू यू थिंक इज इन द मूवी? इट्स अबाउट स्टोरी अबाउट अ गाय आई थिंक, नॉट स्टोरी अबाउट अ गाय. मे बी ड्रीमिंग अबाउट मेन गाय आई थिंक. एट मिडनाइट तुम बताओ अभी क्या है. नहीं यार टाइटल पे मत जाना, फैमिली फिल्म है, UA सर्टिफाइड फिल्म है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको मजा आने वाला है. एंड जो आप सोच रहे हो वैसी फिल्म जरा भी नहीं है. ऐसी अक्सर होता है, मेरी फिल्म बहुत भी ऐसी होती है, अंदर कुछ होता है. ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई एम सो सॉरी यार, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है, वक्त भी रहता है, बट आई वांट टू विश दीपिका ऑल द बेस्ट. है ये दोनों ही सिनेमा एक मतलब पिछड़े हुए सिनेमा माने जाते थे अभी काफ़ी समय तक, क्योंकि कमर्शियली बहुत सक्सेस नहीं था, पर कुछ सालों में दोनों ही सिनेमा में काफ़ी कमर्शियल सक्सेस आया है, चाहे वो VR हो, चाहे पाकिस्तान मराठी हो, चाहे वो दहबाली हो, चाहे वो सहराट हो. इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री आई थिंक, और इससे ना डायरेक्टर्स एटीट्यूड सा एक मोटिवेशन मिलता है काम करने. मैं तो यार देखो मैंने गुजरात तो मैंने मराठी कर ली, तेलुगू, तमिल, हिंदी, गुजराती नहीं है बट मतलब मेरे लिए स्क्रिप्ट होगी कुछ होगा कर लेंगे. Only the cast you get. મલાર તો છે જ, પણ મારી કઝિન છે વિનિતા, અને એની પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ છે, અને એઝ અ ફેમિલી વી ઓલ આર વેરી એક્સાઇટેડ, અને શી ઇઝ અ ફેન્ટાસ્ટિક એક્ટ્રેસ, અને વી ઓલ આર લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ. અને મલાર તો ઓફકોર્સ શાહરૂખ ખાન છે ભાઈ ગુજરાતનો, એટલે ઓલ ધ બેસ્ટ. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર અમાત્ય ફિલ્મ લખી છે વિથ વિરલ અમાત્ય, એટલે અમારા સંજય ગોરડિયાના સન, બહુ જ ફેન્ટાસ્ટિક રાઇટર છે, એણે સુંદર બધા પ્લેસ પણ લખ્યા છે, એટલે આઈ એમ શ્યોર આઈ એમ લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ, અને આઈ એમ શ્યોર ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી અ બ્લોકબસ્ટર હિટ, કારણ કે મલારની રેકોર્ડ છે આઈ થિંક, બધી જ ફિલ્મ અત્યારે સુપર ડુપર હિટ થઈ રહી છે, એન્ડ આઈ એમ લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ. ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ ધ ટીમ, થેન્ક યુ. મિડનાઇટ વિથ મેનકા, એટલે મેનકા એટલે કંઈ સ્વર્ગ વર્ગનું કંઈક એવું લાગે છે, પણ આઈ એમ શ્યોર ઇટ્સ ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટાઇટલ ઇનફેક્ટ, યા, એટલે લેટ્સ સી, આઈ એમ લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ, કે હવે બસ તમે મને છોડો તો હું જઈને ફિલ્મ જોઉં. થેન્ક યુ. ના હું ઓર એક હટકે ફિલ્મ આઈ હૈ મિડનાઇટ વિથ મેનકા. મેનકા તો આપકો પતા હૈ અપ્સરા કા નામ હૈ, ઉસકે સાથ મેં મિડનાઇટ કી સ્ટોરી તો બડી મસાલેદાર હોગી, તો મુજે લગતા હૈ કે યે ફિલ્મ ગુજરાત નહીં હર રાત મેં દેખી જા સકતી, दिन में भी रात, राइमिंग मिला दिया मैंने, तो गुजरात में अच्छे दिन आ गए. बाबा शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, और आप सबको इंडिया
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल उर्फ रतन नूरा और आप सबको नया साल मुबारक हो पूरा के पूरा। हैप्पी न्यू ईयर, डोंट ड्रिंक बियर माय डियर, लव यू। 2019 से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? खुशियां ही खुशियां सबके लिए, मेरे लिए, हमारी जो फिल्म आ रही बिग बॉस उसके लिए और सब तमाम इंडस्ट्री के लोगों को, सभी 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 के लिए सब रहे खुशहाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा हूं। सुनील पाल आप जियो हजारों साल, हैप्पी नया साल। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करते हैं? एस्ट्रोलॉजी में बिलीव तो नहीं करता हूं, लेकिन जो करते हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।